छोटी सी आशा है। मुस्कुराते रहिए, प्रोग्राम सुनते रहिए, साथ बने रहिए। और आइए अब बातचीत करते हैं हमारी इंदौर की एक कॉलर से। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं आप? जी नमस्ते सर, मैं याशिका बात कर रही हूँ इंदौर से। याशिका जी स्वागत है आपका, कैसी हैं आप? जी सर हम अच्छे हैं, अपने अपने घरों में है, जब तक स्वस्थ हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि जब तक अपने अपने घरों में तब तक स्वस्थ हैं, और घर से अच्छी घर से अच्छी जगह स्वस्थ रहने की कहाँ हो सकती है। जी सर आपके जरिए मैं मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनके बहाने हम सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। आप कहाँ रहती हैं मुझे बताएं जरा? मैं इंदौर में आनंद नगर में रहती हूँ, सपना संगीता के बैक साइड वाले एरिया में। जी, तो मुझे बताएं वहाँ सब लोग किस तरह से अनुपालना कर रहे हैं लॉकडाउन की? जी सब अपने अपने घरों में रहते हैं दिन भर, रामायण देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, अपनी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके अलग अलग तरह की चीजें बना के खा रहे हैं। आपने अलग अलग तरह की चीजें बताई, एक बार नाम गिना दीजिए प्लीज कि कौन कौन सी चीजें आपने इस दौरान बनाई है। सबसे बड़ी तो मालवा की फेवरेट डिश जो दाल बाटी है, दाल बाटी दाल चावल होते हैं। जी। अच्छा चीजें जो है जी। अच्छा दाल बाटी के साथ चटनी जरूर बनाई होगी। बिल्कुल लस्सी की, लाल चटनी की। अच्छा ये बताइए कि आप कॉलोनी के लोग और आसपास के लोग या फिर जो इंदौर में आपके मिलने जुलने वाले हैं उनसे आप कांटेक्ट बनाए हुए हैं कि नहीं, कि सबका मनोबल बना रहे और सब सुरक्षित रहें? जी हम मैं मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सबसे रोज एक बार फोन पर बात कर रही हूँ, सब अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं। हम लोग जब से मोदी जी ने लॉकडाउन किया है दरवाजे तक भी बाहर नहीं निकले हैं। एक बात जी। संजीव जी पूछ लें जरा इनसे, अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तब कैसे अपने आप को व्यवस्थित करेंगे, आप मेंटली तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि बढ़े, जितनी जल्दी बीमारी ये दूर भागे उतना अच्छा है हम लोगों के लिए। और मैं आपको एक चीज भी बताना चाहूंगी कि मेरा खुद का प्ले स्कूल है, मैं एक प्ले स्कूल रन करती हूँ। जी मेरे सारे मतलब बच्चों के मैसेज फोन रोज मेरे पास आ रहे हैं, सारे बच्चे हमें याद कर रहे हैं, स्कूल जाने के लिए जिद कर रहे हैं। बट उनकी सेफ्टी के लिए जो है अभी बंद है, जब खुलेगा तब मिलेंगे उनसे। याशिका जी ऑनलाइन शुरू कर दीजिए, बच्चों को निराश मत कीजिए। प्ले स्कूल है, छोटे बच्चे बहुत छोटे बच्चे हैं अभी तो। अच्छा, अभी अच्छा। तो उनकी उम्र संजीव जी और हमारी जो श्रोता हमसे जुड़ी हुई हैं, ऐसी वाली चिड़िया उड़ तोता उड़ है ना, बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। सर हमारे स्कूल के बच्चे इतने समझदार हैं कि वो सोशल मैसेज, सोशल डिस्टेंसिंग के मैसेज दे रहे हैं और फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं। जी जी कौन सा गाना आपको सुनवा दें? जी ओ पालनहारे लगान मूवी का। हम आपको एक गीत जरूर सुनवाएंगे और सभी सुनने वालों को आपके माध्यम से ये कहेंगे कि यही वो दौर है जो बच्चों को बता दीजिए, हम लोग बहुत बड़े हैं उनसे, कि बेटा हमने दो दो महीने की छुट्टियां ली हैं, परीक्षा हो जाती थी तो दो दो महीने की छुट्टियां हमें मिलती थी। और आज पहली बार ऐसा हुआ है 6 साल में हमें स्कूल चलाते हुए पहली बार इतना टाइम छुट्टी मिली है बच्चों को भी और टीचर्स को भी। जी इस बात के माध्यम से यही कहना चाह रही हूँ मैं कि हम अपने बच्चों को अपने परिवार में वो भी बातें बताएं जो हमारे साथ हो चुकी हैं, कि देखो हम दो दो महीने की छुट्टी में दादी नानी मामा बुआ के घर जाया करते थे, अब बच्चों को उस तरह की छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं। और उन छुट्टियों में पापड़ बनाते थे, सेवैयां बनाते थे, चीजें चली गई है, वो रेडीमेड मिलना शुरू हो गई है। याशिका जी आपने बिल्कुल तमाम श्रोताओं को और सबको तनाव से मुक्त कर दिया और बहुत ही जिंदगी भरी बातें आपने की हैं और किस तरह से आप इस समय को एंजॉय कर रही हैं, बस इसी तरह से जिस तरह से याशिका जी अपना घर में अपने परिवार के साथ खुश हैं, आप सब भी खुश रहिए। और आप लोग को थैंक यू हमें कनेक्टेड रखने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन। देखिए संजीव जी और हम और पूरा रेडियो हिंदुस्तान का बार बार कह रहा है हम आपके साथ हैं, आप रेडियो सुनते रहिए, गाने भी सुनेंगे और सूचनाएं भी आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो आपको सुनवाते हैं याशिका जी आपकी पसंद का ये गीत, सुनिए। थैंक यू।